नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह का एक साल का कार्य रहा बेमिसाल, गिनाई अपनी उपलब्धियां। जिला पंचायत के एक साल पूरा होने पर जिला पंचायत कार्यालय पर एक भव्य कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बतौर मुख्य अतिथि मणि रामदास छावनी, महंत नृत्य गोपाल दास व पदाधिकारी कमल नयन दास ने दीप प्रज्वलित करके किया। बता दें कि आज के दिन रोली सिंह ने ऐतिहासिक जीत हासिल कर अध्यक्ष पद की शपथ ली थी। उसके बाद से लगातार रोली सिंह ने जिला पंचायत अयोध्या के विकास के कार्यों को नया आयाम दे रही है। जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि आलोक सिंह रोहित ने बताया कि पिछले एक वर्ष के कार्यकाल में ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण, सुदृढ़ विद्युत व्यवस्था, नालों का निर्माण, पंचायत भवनों का निर्माण, इन सभी पर विशेष जोर दिया गया है। पिछले साल में कई परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं और विभिन्न परियोजनाओं का कार्य चल रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार विकास हो रहा है। उन्होंने जिला पंचायत सदस्यों, जिला पंचायत के अधिकारी और कर्मचारियों का भी धन्यवाद दिया। मुख्य अतिथि महंत कमल नयन दास ने जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह को बधाई देते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को देखकर बहुत हर्ष होता है। जहां पहले सड़कें नहीं होती थी, वह आज सड़क है। गांव की रोड गड्ढा मुक्त हो गई है। इसके साथ साथ इस कार्यक्रम में नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, रुदौली के विधायक रामचंद्र यादव, महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा, महंत गिरीश दास आदि उपस्थित रहे। प्रभु श्री राम जी की कृपा से हमारा गत वर्ष बहुत ही सफल रहा है। हमारी बहुत सारी परियोजनाएं जो हमने लागू की थी वो लगभग 80% सारी पूर्ण हो चुकी हैं। कुछ जो बाकी है वो भी आगे आने वाले वर्ष में पूरे हो जाएंगे और हमने आगे 2022-23 का भी कार्य योजना बना लिया है और उस पर भी अभी कार्य चालू होने के संभावनाएं हैं और वो चल रहे हैं। जिस तरह कार्य एक साथ पूरा हुआ था उसमें जो है शुरू के कार्य हैं उसको भी किस गति से पूरा किया जाएगा और जो मीटिंग भी कर दी थी उसमें बैठक में जो कुछ नहीं किया गया, हाँ वो भी मतलब वो भी इस हमारे 2022-23 में पूरे किए जाएंगे। फिर से 2022-23 के लिए 36 किलोमीटर लंबाई के लगभग 1203 लाख रुपए की 108 सड़क निर्माण परियोजनाएं तथा लगभग 580 लाख रुपए की लागत की 10 किलोमीटर लंबाई की 51 नाला निर्माण परियोजनाएं, लगभग 300 लाख रुपए लागत की ग्रामीण क्षेत्रों में LEB एवं हाई मास्क की स्थापना किए जाने की योजना तथा सरकार के अमृत सरोवर निर्माण की महत्वाकांक्षी योजनाओं के अंतर्गत 308 लाख रुपए की लागत के 5 अमृत सरोवर निर्माण परियोजनाओं को कार्य योजना में प्रस्तावित किया जा चुका है। हमारे जिला पंचायत सहयोग समन्वय और प्रभु श्री राम की कृपा से इसी प्रकार निरंतर उन्नति करती रहे और हम हमारे संगठन की हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की विचारधारा का इसी तरह निर्वहन करते हुए अपने क्षेत्र में सदा विकास का गंगा बहाते रहे, यही हमारी आशा है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया समाचार।